खाद की किल्लत से किसान परेशान, यूरिया संकट का नहीं मिल रहा निदान, फसल की चिंता में अन्नदाता हलाकान, आखिर कब सरकार देगी ध्यान। इन तस्वीरों को देखिए, मध्य प्रदेश के किसी कस्बे या गांव में चले जाइए, वहां यूरिया के लिए भटकते और परेशान होते ऐसे हजारों किसान आपको मिल जाएंगे। तमाम दावों के बावजूद इस वक्त मध्य प्रदेश यूरिया संकट की चपेट में है। आम लोगों को भले इससे कोई वास्ता ना हो, लेकिन इसी आम आदमी का पेट भरने वाला अन्नदाता एक एक बोरी यूरिया के लिए जान जोखिम में डाल रहा है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि जब रात रात भर लाइन में खड़े रहने के बावजूद उन्हें यूरिया की बोरी नहीं मिल पाई तो मजबूरन इस किसान को लुटेरा तक बनना पड़ रहा है। और इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह हताश किसान यूरिया को देख उस पर टूट पड़ा। आप कह सकते हैं कि इस ट्रक को लूट लिया गया। इतना ही नहीं, यूरिया खाद की चोरी भी हो रही है। सरकारों की निष्क्रियता और अदूरदर्शिता का खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि किसान ही किसान का दुश्मन बन बैठा है। आई थी अभी, आज ही आई थी। फिर क्या गई वो? वो आगे गई इधर माचलपुर साइड। मतलब 400 में मिल जाता है खाता? 400 मिलता है सर। कहाँ से मिलता है? यही जीरापुर से। सरकारी रेट में क्या है? सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट 275 है। ब्लैक में मिल जाता है? ब्लैक में 400 मिलता है। कड़ी थी दो बेरोज में कड़ी थी, उनमें एक डीएपी की थी बेरोज वाली में, और एक दो तो यूरिया की थी, एक हिमाचलपुर गई। दो ही कहाँ गई? नुखेरा हिमाचलपुर भेज दी। क्यों भेज दी? कल से यहीं। ये तहसीलदार साहब से बात हुई, क्या बोला इनने? तहसीलदार साहब ने बोला दिलवाएंगे खाद, तुम लिखवा लो, एप्लीकेशन लिखो, आ जाओ दिलवा दे। तो कद आ जाओ मतलब, और बढ़िया का जाओ। आइए आपको समझाते हैं यूरिया का गणित। संकट के इस दौर में राज्य सरकार 80% यूरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए बंटवा रही है। पहले कोऑपरेटिव और बाजार मिलकर 50-50% यूरिया बेच रहे थे। 45 किलो वाली यूरिया की एक बोरी की कीमत 266 रुपए है। ब्लैक में यही यूरिया 600 से 800 रुपए बोरी तक बिक रहा है। गेहूं की अच्छी फसल के लिए यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। गेहूं का रकबा अचानक बढ़ने से यूरिया की भी मांग बढ़ गई। प्रदेश में गेहूं के रकबे में 8.5% का इजाफा हुआ। किसानों ने इस बार दलहनी फसलों की बजाय गेहूं की फसल लगाई और सरकार इस संकट को भांपने में नाकाम रही। दरअसल इस बार मॉनसून लंबे समय तक रहा। भरपूर पानी मिलने से किसानों ने दलहनी फसलों की बजाय गेहूं की फसल ली, लेकिन सरकार इस बात को नहीं भांप पाई। नतीजा यूरिया संकट के रूप में है, लेकिन राज्य सरकार इस संकट के लिए केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ रही है। कृषि मंत्री सचिन यादव का कहना है कि केंद्र सरकार ने केवल 1.54 मिलियन मीट्रिक टन यूरिया दिया, जबकि हमारी जरूरत 1.8 MMT की थी। प्रदेश में अधिक वर्षा होने के कारण रबी का जो रकबा है, रकबे में वृद्धि होने की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने केंद्र सरकार से 18 लाख मेट्रिक टन यूरिया की मांग हमने करी थी, और उसके एवज में 15,40,000 मेट्रिक टन का आवंटन मात्र जो है प्रदेश सरकार को किया गया। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि वो जरूरत के हिसाब से यूरिया आपूर्ति करता है। कृषि मंत्रालय के सचिव चाबिलेंद्र राहुल कहते हैं कि हमसे अतिरिक्त मांग नहीं की गई थी। फिलहाल तो एमपी में बीजेपी कमलनाथ सरकार पर जमाखोरों के साथ साठ गांठ का आरोप लगा रही है। खाद, मेरा मानना है कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर खाद नहीं होती तो ब्लैक में कैसे मिल रही होती? ब्लैक में मिल रही है, इसका मतलब है किसान को नहीं मिल रही है। किसान को मिल रहे हैं तो कमलनाथ सरकार के डंडे मिल रहे हैं। भूख और प्यास मिल रही है, लाइन में लगना मिल रहा है। एक जमाखोरों का, एक ब्लैक मार्केटिंग करने वालों का,
एक बड़ा वर्ग इस सरकार में, सरकार के संरक्षण में चल रहा है, जिसके कारण से ये कुव्यवस्था हो रही है, अव्यवस्था हो रही है। इस राजनीति से दूर किसान की आंखें केवल यूरिया खोज रही हैं। मंगलवार को सागर, खंडवा, उज्जैन, विदिशा, रायसेन, सीहोर, अशोकनगर और गुना में किसानों ने सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। आखिर कब तक किसान दिन भर और रात भर खाद की आस में दुकानों के बाहर खड़ा रहे? छोटे जमाखोरों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में यूरिया की व्यवस्था जरूरी है, वरना गेहूं का उत्पादन कम हो जाएगा और किसान फिर नए भंवर में फंस जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।